तो हम लोग सीखेंगे सामाजिक विज्ञान की एक सीरीज चल रही है, उसी में आगे सीखेंगे सामाजिक विज्ञान के कुछ वन लाइन क्वेश्चन, जिससे आपके विकल्प काफी अच्छे ढंग से तैयार होने वाले हैं जो 20 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नेपोलियन का संबंध, नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो नेपोलियन की पराजय कब हुई, समय को जाया ना करते हुए फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेपोलियन की पराजय जो है 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई थी। कहां हुई थी? वाटरलू के युद्ध में। अगला है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा, तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 में हुई। ठीक है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध जो है किस देश से है, सबको पता होगा चाहिए, नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। ठीक है, ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध, ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध किससे है? जर्मनी, जर्मनी से इसका संबंध है। यंग इटली, यंग इटली का संस्थापक, तो यंग इटली का संस्थापक कौन है? जोसेफ मेजनी। ठीक है, जोसेफ मेजनी, इसका जो है जोसेफ मेजनी, मेजनी लिख देते हैं यहां पर। ठीक है बच्चों, मेजनी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका, तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी रही? तो जर्मनी की इसमें रही है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटोबान बिस्मार्क। ठीक है, किसकी हो जाएगी? ऑटोबान बिस्मार्क की भूमिका हो जाएगी। कहां पर लिखें? बिस्मार्क। ठीक, बिस्मार्क लिख देते हैं, ऑटोबान बिस्मार्क का। नेपोलियन की संहिता का निर्माण, तो नेपोलियन की संहिता का निर्माण जो है 1804 में हुआ था। ठीक, और इसने नेपोलियन ने अपनी संहिता में किस बात का सबसे अच्छा उल्लेख किया, उसने क्या उसमें बताया था कि जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे उसने उन्हें समाप्त कर दिया। तो इसमें कब आई थी? 1804 में। ठीक, वियना की संधि, तो वियना की संधि कब हुई? तो वियना की संधि जो है हमारी हुई 1815 में। ठीक, वियना की संधि 1815 में हुई। जोसेफ मेजनी का संबंध, जोसेफ मेजनी का संबंध किस देश से है? तो जोसेफ मेजनी का संबंध किस देश से है, या जोसेफ मेजनी किस लिए फेमस है? तो ये जो है इटली के एकीकरण के लिए फेमस है, इटली के एकीकरण के लिए। ठीक है, इटली के एकीकरण के लिए फेमस है। जैकोबिन दल का संबंध किस देश से है? तो जैकोबिन दल का संबंध जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, जैकोबिन दल का संबंध फ्रांस से है। ठीक, रोज तैयार होंगे, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और दिल करे कभी कभी सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, एक अभी कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, जोसेफ मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन, तो जोसेफ मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या है? यंग इटली। ठीक, कौन सा हो जाएगा? यंग इटली। ठीक, जालवे राइन नामक शुल्क संघ की स्थापना, तो जालवे राइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? 1834। ठीक, 1834 में इसकी स्थापना हुई। बॉक्जिस्ट, बॉक्जिस्ट से आशय का मतलब होता है, क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो बॉक्जिस्ट का मतलब जर्मन संस्कृति में किससे है? राष्ट्र से लगाया जाता है इसका अर्थ। 1789 में दुनिया को पता है कि फ्रांस की क्रांति हुई, लेकिन 1789 में फ्रांस की क्रांति तो हुई, लेकिन 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो फ्रांस में कैसा था? असीमित राजतंत्र, असीमित राजतंत्र वहां चलता था। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गैरिवाल्डी, और गैरिवाल्डी का संबंध किस देश से है? गैरिवाल्डी क्यों फेमस है, गैरिवाल्डी के बारे में आप क्या जानते हैं? आप इतना ही बताइए, गैरिवाल्डी किस देश से संबंधित है, या गैरिवाल्डी की भूमिका? तो ये आप क्वेश्चन हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं रोज छोड़ देता हूँ आप ही लोगों के लिए कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बताया भी करो, अच्छा लगता है। ठीक, धन्यवाद।